नमस्कार दोस्तों, मैं जीएस गौड़ काफी दिन बाद में आपसे रूबरू हो रहा हूं। नेट का जैसे कि सिलेबस चेंज हो चुका है, काफी कुछ नए टॉपिक उसमें आ चुके हैं। उसमें से एक टॉपिक है उत्तर आधुनिकतावाद, और इस उत्तर आधुनिकतावाद की बात हम आज इस टॉपिक में करने जा रहे हैं। उत्तर आधुनिकतावाद को समझने के लिए हमें तीन चीजें देखनी पड़ेगी। अगर कालखंडों में बांटा जाए तो एक ऐसा कालखंड जब जिसे हम पूर्व आधुनिकता कहा जा सकता है, और एक कालखंड जिसको आधुनिकता कहा जा सकता है आधुनिक युग में, और एक वह जो वर्तमान में उत्तर आधुनिकता का कालखंड चला रहा है। तो इन तीनों को अपन लाइन वाइज समझेंगे ताकि अपने को क्लियर रूप से उत्तर आधुनिकता शॉर्ट रूप में इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। मैं बेहद शॉर्ट में बेहद बढ़िया रूप से आपको ये क्लियर करवा रहा हूं। शायद ये सबसे छोटा उत्तर आधुनिकता का वीडियो होगा। अगर 17वीं शताब्दी तक बात करें तो पूर्व आधुनिक काल या पूर्व आधुनिकता का युग कहा जा सकता है, जो जिसके अंदर उस समय की मध्य युग की या उससे प्राचीन युग की बात कर रहे हैं, जब ईश्वरीय सत्ता में विश्वास रखा जाता था और ईश्वरीय सत्ता को ही अंतिम सत्ता कहा जाता था। जो विश्वास उसके अंदर रखा जाता था और जो व्यक्ति अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था या जो संस्था अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि बताती थी, वो जिस चीज को बोलती थी उसी को सत्य मान लिया जाता था, क्योंकि व्यक्ति का उसमें विश्वास होता था, उसी को अंतिम और सत्य बात कह दी जाती थी। तो ऐसी जो धारणाएं थी जो 17वीं सदी तक थी उसको हम पूर्व आधुनिकता के रूप में जानते। लेकिन इस समय दो विचारक आए, जिसमें से पहला था फ्रांसिस बेकन और एक विचारक आया डेकार्ट। पर इस फ्रांसीसी विचारक ने यहां पर इस चीज का खंडन कर दिया कि नहीं, ईश्वरीय आस्था सत्य नहीं हो सकती। केवल इस आधार पर आप नहीं कह सकते कि इस व्यक्ति ने कह दिया, क्योंकि ईश्वर हमारे सामने आता नहीं है। तो कौन यह साबित करेगा कि वास्तव में ईश्वर, ये जो इस सत्ता में हम विश्वास कर रहे हैं, वो सत्य है या नहीं? तो इस आधार पर सत्य के नजदीक नहीं जाया जा सकता। तो उसने परंपरा का और ईश्वरीय आस्था का खंडन किया। इसने कहा, फ्रांसिसी बेकन ने, इन्होंने विवेक का समर्थन किया, यानी विवेक के आधार पर या तर्क की कसौटी के आधार पर जो बात सत्य साबित हो जाए वही वास्तव में सत्य है। तो यहां से आधुनिक युग शुरू हुआ और ये बात कही जाने लगी कि जो चीज वैज्ञानिकता की कसौटी पर खरी उतर, पुराने जो विचार है वो पीछे छूट गए। यहां पर होब्स लोग रूस आए, जिन्होंने बिल्कुल नए विचार हमारे सामने रखे। तो इस आधार पर, जो वैज्ञानिक कसौटी के आधार पर सत्य को परखना शुरू किया, यानी किसी व्यक्ति के विचार यदि उसने तर्क के आधार पर सामने रखे तो उस महान विचार को स्वीकार कर लिया गया। यह आधुनिक युग में हो, और अगर वह तर्क की कसौटी के आधार पर बिल्कुल फैक्ट बैठ रहा है तो वह बिल्कुल सत्य माना गया। फिर आया इसी युग में 1781 में इमैनुअल कांट ने एक पुस्तक लिखी, क्रिटिक ऑफ प्योरिटी रीजन, यानी इन्होंने जो शुद्ध विवेक है उसका उसकी आलोचना की, और उन्होंने ये कहा कि ये दुधारी तलवार की तरह है। यानी एक व्यक्ति जिस चीज को तर्क के आधार पर सत्य साबित कर सकता है तो वही व्यक्ति उसको तर्क के आधार पर असत्य भी साबित कर सकता है। और जिस हर व्यक्ति अपने अपने चश्मे से, अपने अपने तरीके से किसी चीज को देखता, अपने दृष्टिकोण से किसी चीज को देखता है, तो जरूरी नहीं है कि वो सत्य साबित हो। जैसा कि उसने एक उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति लाल चश्मा लगाकर पैदा होता है तो वो जब देखेगा दुनिया को तो उसे सारी दुनिया लाल ही नजर आएगी। तो क्या दुनिया लाल है? दुनिया तो विभिन्न प्रकार की है, विभिन्न कलरों की है, विभिन्न रंगों की है। तो उसका दृष्टिकोण सत्य नहीं हो सकता, जबकि वो आपके सामने वैज्ञानिक तरीके से बताया, देखो इस चश्मे से देखा जाता है, मैंने इस चश्मे से देखा, मुझे प्रत्येक चीज लाल नजर आई। तो यहां पर वो चीज सत्य नहीं हो सकती। तो उत्तर आधुनिक काल के अंदर जो एक विचारक थे अपने दरिंदा,
या दरिदा जिसे कहते हैं, और दूसरा फ्रांसीसी फुकुयामा, यह विचारक आए जिन्होंने फेथ और विवेक दोनों को गलत सिद्ध किया और यह कहा कि प्रत्येक दृष्टिकोण को, वर्तमान जो विचारक है, जो उत्तर आधुनिक विचारक है, वो कहते हैं कि केवल एक विचार को अगर सत्य की कसौटी पे खरा उतर गया तब भी वो सत्य नहीं हो सकता, इसलिए जितने भी विचार है उन सबको सामने लाना जाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का देखने का जो दृष्टिकोण है वो अलग अलग है, हर चीज में सत्य का कुछ ना कुछ अंश हो सकता है, इसलिए प्रत्येक चीज को बाहर आना चाहिए, प्रत्येक दृष्टिकोण को बाहर निकलना चाहिए, सामने आ जाना चाहिए, यह उत्तर आधुनिकता है। तो स्रोत रूप में हम समझ सकते हैं कि आधुनिकता जो किसी एक वैज्ञानिक कसौटी पर जो विचार कसा जा सकता है उसको महान विचार मान लिया जाता है, उसको स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन उत्तर आधुनिकता कहती है कि कोई महान विचार नहीं होता, कोई महावृतांत नहीं होता, कोई चीज बहुत बड़ी विशाल नहीं हो सकती, सभी चीजों को सामने आना जरूरी है और उनमें कुछ ना कुछ सत्य के अंश है, पता नहीं कौन से में कौन सा सत्य सामने आ जाए, तो सारी चीजें सामने आनी चाहिए, ये विचार उत्तर आधुनिकता कहलाते हैं। लेकिन एक समस्या यहां पैदा होती है, ये खुद बात करते हैं तो उसमें सबसे मोटी समस्या ये है कि जब असंख्य विचार हमारे सामने आएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा विचार सत्य के नजदीक है, कौन सा नैतिकता के नजदीक है, कौन सा वास्तविक दर्शन के नजदीक है। तो यहां एक समस्या पैदा हो जाती है कि किस विचारधारा को सत्य माना जाए। दूसरी चीज, जैसे कि टॉप जो जितने भी उत्तर आधुनिक 100 विचारक है, 200 250 विचारक है, उनको यदि हम देखे जाए तो वो सारे ही उग्रवामपंथी है, सारे ही साम्यवाद के समर्थक है, तो वो खुद असंख्य खूब सारे होकर भी वो एक ही विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं, जबकि एक तरफ वो कह रहे हैं कि प्रत्येक दृष्टिकोण सामने आना चाहिए, जबकि वो स्वयं जो टॉप विचारक है वो साम्यवाद का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। तो यहां आकर ये खुद अपने आप में एक समस्या पैदा करते हैं, जिसकी वजह से उत्तर आधुनिकवाद में ये असहमति या ये समस्या पैदा होती है। इसके अलावा जैसे कि फ्रांसीसी फुकुयामा ने ये कहा इतिहास का अंत हो गया है, कुछ विचारों ने कहा ईश्वरीय सत्ता का अंत हो गया है, किसी ने कहा विचारधारा का अंत हो गया, लेकिन ये हर चीज का अंत तो करते हैं लेकिन खुद उसी चीज से जुड़ जाते हैं, ये उत्तर आधुनिक चीज आधुनिकता की समस्या भी है। तो जहां तक मेरा मानना है, बिल्कुल शॉर्ट रूप में हम समझ सकते हैं कि सभी विचारों को सामने लाना जिनमें सत्य का कुछ ना कुछ अंश हो सकता है, इस चीज को उत्तर आधुनिकता समर्थन करती है। यहां एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं, जैसे वर्तमान में भारत को ही ले लो, आप इस संदर्भ में ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि किसी एक पार्टी ने कोई विचारधारा सामने रखी और कुछ विचारकों ने उसको ऐसे ही सूक्ष्म बता दिया, उसको गलत बता दिया, उसको टॉलरेंस की बात कर दी, तो यहां पर अब वो उनको टुकड़े टुकड़े गेंग करी और टुकड़े टुकड़े गेंग वाले ये कह रहे हैं कि हमें अपनी बात रखने का अधिकार है, और वो यदि वो जो गेंग है या जिनको वो इस नाम से जाना जाता है वो एक पार्टी की विचारधाराओं का समर्थन नहीं करती और दूसरे जो है वो इन लोगों को देश विरोधी साबित कर देते हैं। लेकिन चीजें यहां से भी निकल के आ रही है, चीजें यहां से भी विभिन्न प्रकार की निकल के आ रही है, कोई अपने सम्मान वापस लौटा रहा है, अभी CAA पर साइन बाग में जो विरोध चल रहा है तो उनको अपनी बात रखने का अधिकार है जैसा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन प्रदर्शन का तरीका अलग अलग होना चाहिए, इस तरह से आप सड़क को रोक नहीं सकते। तो यानी विभिन्न प्रकार के असंख्य विचार सामने आने चाहिए, ये इस बात का समर्थन करता है, वो कहलाता है उत्तर आधुनिकता। अपेक्षा करता हूं छोटा सा वीडियो, क्लियर हुआ टॉपिक, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।